देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिकोहाबाद के रामलीला मैदान में सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे छोटू यादव का पोल खोल जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ जिला सम्मेलन का आयोजन सपा सरकार में मंत्री रहे व वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के आगरा मंडल के प्रभारी देवेंद्र गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व विधायक अजीम भाई ने क्या कहा, सुनिए आप। वो आए और बहुत शीघ्र बहुत खुश है। यादव की बेटी है, वो भी अपनी बात रखेगी। मैं इस बिटिया से कहूंगा, सपना यादव से, कि वो आए और बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखे। सपना कुमारी, सपना आप मानते हैं इस बात को कि मैं आपके वैसे ही हूँ, मेरे पिताजी के समान है ये भी। इनके अगर आप कभी भी जाएंगे तो आपको कभी किसी चीज की मना नहीं होगी। और नेता आपको आश्वासन देते हैं, ये स्वीकार है, आएंगे। जरा जोर से कहिए, आएंगे। जिले में मुकेश यादव मेरे दोस्त हैं, मुकेश यादव इनके दामाद हैं। उस रिश्ते से 1994 में पहली बार चाचा कहा था, आज तक चाचा कह रहे हैं। चेयरमैनी के चुनाव में हमने समझाया था, इन्हें सबक दे दो। हमने तो फिरोजाबाद में दे दिया, इनकी औकात इनको बता दी। ये फिरोजाबाद के लोगों, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान परेशान मोदी से, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान योगी से, और हम वो बदकिस्मत लोग हैं कि मोदी और योगी से तो परेशान है ही है, इन पिता और पुत्रों से भी बहुत परेशान है। ये गलत जगह पंगा ले गए भाई, इन्होंने पंगा गलत ले लिया। संभल नहीं है फिरोजाबाद,